हाल चाल ने भाई, कितना यार काफ़ी लोग मुझसे सवाल पूछने लगे हैं, जिससे कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं एक टाइम पे मेरा कोई हिसाब किताब था नहीं, कि जब मैं रेवाड़ी में रहता था, छोटे से शहर में, बड़ा शर्मीला हुआ करता था, बात नहीं करता था किसी से। मेहमान घर पे आते तो मम्मी में भी बोलती थी कि जाके नमस्ते करो, और मैं नमस्ते भी ऐसे करता था। और आज थोड़ा मेहनत की, थोड़ा किस्मत ने साथ दिया, आप लोगों का प्यार मिला, जिससे कि आज की डेट में थोड़ा मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मैं इस लेवल पे आ चुका हूँ कि मैं एटलीस्ट तुम में से कुछ लोगों के कुछ सवाल आंसर शायद कर पाऊँ, जिससे कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी कहती हैं कि जो विद्या दान होता है वो सबसे अच्छा दान होता है, तो विद्या का दान करना चाहिए, क्योंकि एक यही चीज़ ऐसी है कि जो बांटने से बढ़ती है। और मैं इसको बड़ा इसमें यकीन करता हूँ, तो मैं आपके सवाल एब्सोल्युटली आंसर करना चाहता हूँ। अगेन, मैं कोई महाज्ञानी बंदा तो हूँ नहीं कि मैंने बोल दिया तो भविष्यवाणी हो गई, बट ये है कि मैं यहाँ पे कुछ टाइम से हूँ, तो हो सकता है कि मेरी इनसाइट्स आपके कुछ काम आ पाएँ, तो मैं ज़रूर आपको हेल्प करना चाहूँगा। बट मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है यार, आजकल हो क्या रहा है कि लोग मेरे को गूगल पे सर्च करते हैं, मेरे लिंकडिन पर जाते हैं, या मेरे फेसबुक मैसेंजर पर जाते हैं, वहाँ पे मेरे को मैसेज करते हैं 1-to-1। और कई लोग तो सिर्फ बोलते हैं कि अच्छा काम कर रहे हो तुम, कीप इट अप, विच इज़ फाइन, लेकिन कई लोग वहाँ पे सवाल पूछते हैं कि मेरे को ये करना है, वो करना है, कैसे करूँ, कैसे ना करूँ। तो यार, डोंट टेक मी कि मैं ऐसे रूड एक्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम ऐसे 1-to-1 सवाल पूछोगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई गोल्डी को तो मैंने एक सवाल पूछा, उसको रिस्पॉन्ड करने में 5 मिनट लगने हैं, बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। तुम्हारे जैसे रोज के 20-30-50 लोग सवाल पूछने लगे हैं, तो उससे क्या है कि मैं हर एक को रिप्लाई करूँगा, देन आई वॉन्ट बी एबल टू फोकस ऑन माई कोर, जो मेरा काम है। ठीक है, मेरे पास अनप्लान मेरे को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अब मैं अगर उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ तो मेरे को खुद को एम्बैरेसिंग लगता है। मेरे को लगता है किसी बंदे ने अपनी उम्मीद लगा के इतना मेरे को सवाल पूछा है और मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, तो मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो तुम पूछो सवाल, लेकिन सवाल किस तरह से पूछो ताकि मैं उसको स्केल कर पाऊँ, मेरे को इंडिविजुअली सेम सवाल अलग अलग जगह पर ना आंसर करना पड़े। तो तुम कैसे कर सकते हो, तुम कुछ तरीके हैं जिससे सवाल पूछ सकते हो। सबसे पहला चीज़ जो तुम कर सकते हो, ये जो फेसबुक का ग्रुप बनाया है H1 मिलियनर वाला, इसको तुम FB.H1BMillionaire.com, यहाँ पे जाओगे तो वो ग्रुप को रिडायरेक्ट कर देगा। वहाँ पे तुम अपने सवाल, ऑफ कोर्स ग्रुप को ज्वाइन करके अपने सवाल पूछ सकते हो, और पूछने से पहले वहाँ पे सर्च करना कि किसी और ने सेम सवाल पूछा है और मैंने आंसर ऑलरेडी अगर कर दिया है तो। और ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें अब फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कराने के लिए, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं उसको स्केल कर पाऊँ। तुमने ज्वाइन किया, तुम्हें आंसर मिल गया, तुम्हें ग्रुप में मज़ा नहीं आ रहा, यू कैन एब्सोल्युटली क्विट, आई डोंट हैव कंट्रोल ऑन दैट। ठीक है, तुम क्विट कर दो अगर वहाँ पे अच्छा नहीं, तुम्हें नहीं लगता है तो, अपना आंसर लेने के बाद। दूसरा, तुम यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हैं उन पर भी कॉमेंट्स कर सकते हो, और मैं देखूँगा अगर कि कोई भी सवाल इस तरह के हैं जिस पर बार बार उस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो मैं उन सवालों को मिला के एक वीडियो ही बना दूंगा, जिससे कि वो सारा आगे के लिए, आई कैन मेक इट लाइक वंस फॉर ऑल, ताकि जब किसी का सवाल हो तो मैं उस वीडियो को लिंक वहाँ पे एज अ रिस्पॉन्स पेस्ट कर दूँ। और फाइनली, एक लास्ट तरीका सवाल पूछने का, जो कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं, मैंने कभी किया नहीं है वो, मैं सोच रहा हूँ कि एक यूट्यूब में लाइव का फंक्शनैलिटी होता है। यूट्यूब लाइव में मैं और आप ऐसे सामने, मतलब लाइव बात कर सकते हैं, तो 1 घंटा मैं वीकेंड पर निकालता हूँ कभी, मे बी 1-2 हफ्ते के अंदर, और मैंने एज ए स्पीकर मैं गया हूँ यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में, लेकिन मैंने खुद ऑर्गेनाइज़ कभी नहीं किया। बट ठीक है, पढ़े लिखे बंदे हैं, कितना टाइम लगना सीखने में उसको, तो वो सीख के वो कर सकते हैं। वहाँ पे लाइव आप अपने सवाल शायद पूछ पाओगे, और इनफ ऑडियंस अगर होगी तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मेरे को बताना इस वीडियो के कॉमेंट्स में अगर तुम्हें लगता है कि यूट्यूब लाइव करने का कुछ सेंस बनता है, और नहीं भी बनता तो भी बता देना, ठीक है, एटलीस्ट मेरे को थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा आपसे। तो ये एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट था, और ये छोटा सा एक सवाल था, और जहाँ भी रहें तनाव ना लें, H1B इज़ अमेजिंग, इट कैन हेल्प यू बिकम वेल्दी, इट कैन हेल्प यू बिकम मोर टैलेंटेड, और जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्ती करते रहें। आज संडे का दिन है, मौसम बहुत अच्छा है न्यू जर्सी में, ईस्ट कोस्ट में, शायद हो सकता है आपके वहाँ पे भी अच्छा होगा, तो करो एंजॉय यार, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।